हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर स्टार एकेडमी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एडवांस एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला, जिसे कहते हैं इंडेक्स फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करना एक्सेल में, उसके साथ साथ मैच फंक्शन का यूज़ करना, और आखिर में सीखेंगे हम इंडेक्स और मैच को एक साथ यूज़ करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर स्टार एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक यहाँ डेटा है जिसमें प्रोडक्ट नेम है जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, और उसके साथ साथ मैंने साइज़ दिया है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल। ये हम लोग इंडेक्स फंक्शन सीख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ दिया गया है कि जीन्स का स्मॉल में 21 साइज का अवेलेबल है स्टॉक, मीडियम में 24, लार्ज में 12, एक्सेल में 35 और डबल एक्सेल में 31, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक स्टॉक का डेटा है। तो मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ एक टेम्पलेट बना के रखा है जिसमें प्रोडक्ट नेम मैंने दिया जैकेट, साइज, एक्सेल और क्वांटिटी। तो मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि इसमें से आप देख के बताओ कि जैकेट का एक्सेल में कितना क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज़ करेंगे इंडेक्स फंक्शन। आप इसे चाहे विलुकअप से भी कर सकते हैं। तो इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि विलुकअप से ज़्यादा ये इंडेक्स और मैच क्यों ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ विलुकअप भी लगा के यूज़ करके इसका रिजल्ट ला सकते हैं, पर जब इंडेक्स और मैच जब मिल जाता है तो वो विलुकअप से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले हम लोग नॉर्मल इंडेक्स देखते हैं कि इंडेक्स करता क्या है, इंडेक्स फंक्शन। तो हम यहाँ क्वांटिटी में कर्सर ले गए और लिखे इज इक्वल इंडेक्स, टैप प्रेस करें। तो देखिए वो आपसे पूछ रहा है कि अरे, अरे मतलब क्या होता है। अरे मतलब होता है कि आपका रिजल्ट जहाँ है वहाँ आप उस पूरा रेंज को सेलेक्ट करिएगा, उसको अरे बोलते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स फंक्शन में कभी भी ना ही रो हेडर, जो कि ये है जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, जैकेट, स्वेटर, और ना ही कॉलम हेडर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ये नहीं लेते हैं, ठीक है। ये कभी भी नहीं लेते हैं इंडेक्स फंक्शन में। तो हमने अरे को सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद आप प्रेस करिए कॉमा। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, रो नंबर, ठीक है। हम लोग पहले वाले लाइन में चल रहे हैं, नीचे वाला फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, हम लोग पहले वाले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो पहले वाले पूछ रहा है कि रो नंबर। तो आप जो कर रहे हैं, आप जो जैकेट जो आपका है वो कितना नंबर रो में है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जैकेट आपका 4 नंबर रो पे है। देखिए 1 जीन्स है, 2 ट्राउजर है, 3 शर्ट है और जैकेट 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 कॉमा। फिर वो पूछ रहा है कॉलम नंबर, जो आपका साइज है, जो एक्सेल आपका साइज है वो तो कॉलम वाइज है। तो आप बताइए कि आपका जो एक्सेल जो साइज है वो कितने नंबर कॉलम पे है, तो 1, 2, 3, 4, तो ये भी 4 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 4। उसके बाद करिए ब्रैकेट क्लोज। करने के बाद इंटर प्रेस करिए। तो देखिए वो आपको बता रहा है कि जैकेट का एक्सेल साइज में 31 पीसेस लेफ्ट है। तो देखिए जैकेट हमारा कहाँ है, जैकेट है, एक्सेल ये है, ठीक है। 31 दिखा रहा है ना, जैकेट 31, एक्सेल। तो इंडेक्स फंक्शन इस तरह काम करता है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मैच फंक्शन क्या करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सेम इसका ये रो हेडर और कॉलम हेडर को कॉपी करके इंडेक्स मैच के जो शीट डेटा है उसे मैंने मैच का डेटा बना दिया, ठीक है। सेम है, आप देख सकते हैं। तो आखिर मैच करता क्या है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैच जो है ना वो आपका ढूंढता है, आपका रो नंबर ढूंढ के बताता है और कॉलम नंबर ढूंढ के बताता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ टेम्पलेट बनाया है, वहाँ पूछा है कि ट्राउज़र रो, मतलब बताओ कि ट्राउज़र कितने नंबर रो में है। तो आप मैनुअली यहाँ लिखा हुआ, तो आप देख सकते हैं 1, 2 नंबर रो में। पर हम देखते हैं कि मैच फंक्शन से कैसे करते हैं। तो इज इक्वल
एम ए टी सी एच मैच टैप प्रेस करेंगे तो लुकअप वैल्यू आप किसे ढूंढना चाहते हैं, तो हम ट्राउजर को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्राउजर रो लिखा हुआ है, हम यहाँ से ट्राउजर ले लेते हैं कॉमा, चाहे आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि लुक, आपको एक बात मैं बता दूं कि मैंने यहाँ से लुकअप वैल्यू से सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ ट्राउजर रो लिखा हूँ। अगर मैंने इसे रो रो माने कि लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करता तो इसमें से कहीं भी मैच नहीं करता तो हमारा आंसर नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ से ट्राउजर लिया है। आप चाहे तो मैनुअली लिख सकते हैं, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये है, ट्राउजर है। उसके बाद लुकअप अरे, लुकअप अरे मतलब आप जो आपका जो क्राइटेरिया है जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो कौन से अरे में है, तो हमारा ये अरे में है वो, उसे कॉमा प्रेस करिए, फिर जीरो प्रेस करिए और इंटर प्रेस करिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए आपको टू रिटर्न करता है मैच फंक्शन कि आपका जो ट्राउजर है उसका रो नंबर कितना है, टू, ठीक है। तो ये तो हम रो ढूंढ लिए, अब चलिए देखते हैं कि क्या मैच फंक्शन कॉलम बता पाता है। तो हम लोग यहां लगाएंगे इज इक्वल मैच टैप लुकअप वैल्यू, फिर से ट्राउजर है हमारा, ठीक है, हमारा फिर से ट्राउजर है कॉमा लुकअप अरे। आप कहाँ से ढूंढना चाहते हैं, कौन सा लुकअप अरे है आपका, जो लुकअप वैल्यू है आपका कौन सा अरे में, तो हमारा इस अरे में कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, फिर एंटर। तो देखिए टू दिखा रहा है, टू दिखा रहा है ना। तो इस तरह मैच फंक्शन क्या करता है कि आपको कॉलम भी ढूंढ के दिखाता है कि आपका जो क्राइटेरिया वो कितने नंबर कॉलम में है, और मैच फंक्शन आपको रो भी ढूंढ के दिखाता है कि आपका क्राइटेरिया कितने नंबर रो में है। तो हमने इंडेक्स फंक्शन देखा कि नॉर्मल इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है, अब हमने सीखा कि मैच फंक्शन कैसे काम करता है, अब हम देखेंगे इंडेक्स और मैच दोनों साथ में कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप शायद देख सकते हैं कि मैंने ये सेम डेटा को यहाँ कॉपी किया है, पर यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप हमें जैकेट और एक्सेल का क्वांटिटी बताओ। तो क्वांटिटी तो मैंने यहाँ भी आपको बता दी थी, पर यहाँ नया क्या है, यहाँ तो इंडेक्स विथ मैच का ये डेटा है, तो जब इंडेक्स नॉर्मल इंडेक्स से रिजल्ट मिल जा रहा है तो हम इंडेक्स विथ मैच क्यों करें। इसका रीजन ये है कि आपने जब यहाँ एक फंक्शन लगाया था तो आपने, मैं एडिट करके दिखाता हूँ, तो आपने मैनुअली लिखा था कि रो नंबर है 4 जिसमें आपका जैकेट है और कॉलम नंबर है 4 जिसमें आपका एक्सेल है। पर मान लीजिए कि आपको ये पता नहीं है कि आपका जो क्राइटेरिया वो कितने नंबर रो में है और कितने नंबर कॉलम है, आप मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ह्यूज डेटा है जिसमें आप ढूंढ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, आप तो जान, ये छोटा सा डेटा है इसलिए आप देख के बता दिए कि मेरा जो जैकेट है वो 4 नंबर रो में है और एक्सेल जो है वो 4-5 नंबर कॉलम में, पर आपके अगर आपको पता नहीं है कि वो कितने नंबर रो है कितने नंबर कॉलम है, ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं इंडेक्स और मैच फंक्शन, ठीक है। मैच फंक्शन क्या करता है, हमें रो रो और कॉलम ढूंढ के देता है। तो हम लोग को क्या ढूंढना है कि जैकेट का एक्सेल में कितना क्वांटिटी है, तो हम यहाँ लगाएंगे इज इक्वल इंडेक्स, पहले मैच और इंडेक्स फंक्शन में कभी भी इंडेक्स मैच में कभी भी इंडेक्स लगता है पहले, ठीक है। इंडेक्स तो आपका अरे, अरे हमने क्या बताया था कि जहां आपका रिजल्ट हो, तो हमारा ये पूरा रिजल्ट ही है, इसमें से हमको अपना क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिजल्ट ढूंढना है, कॉमा रो नंबर पूछ रहा है, देखिए देखिए रो नंबर पूछ रहा है, पर रो नंबर तो हमें पता नहीं है। तो अब हम इस कंडीशन में जगह पे लगाएंगे मैच, हम मैच को बोलेंगे कि आप तो रो ढूंढ लेते हो तो आप हमें रो ढूंढ के बताओ मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू जैकेट है कॉमा, कहाँ से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, ठीक है, कॉमा जीरो, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। तो हमने रो तो ढूंढ लिया, वो तो रो हमें रिटर्न कर देगा आप मैच, ठीक है। पर ये क्या बोलता है, साइज क्या पूछा था, एक्सेल का साइज पूछा था ना, यहाँ एक्सेल लिखा हुआ था, तो फिर से हम लोग को पता नहीं है कि एक्सेल कितने नंबर कॉलम में, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे फिर से मैच, हम बोलेंगे अब आप भी एक्सेल का भी आप कॉलम ढूंढ के बताओ, तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, तो हमारा एक्सेल है, तो देखिए एक्सेल का यहाँ फॉर्मूला ऊपर आ गया है तो वो तो छुप गया है, तो हम लोग कैसे क्लिक करेंगे आप, तो हम देख लेते हैं ई कॉलम में कितने नंबर रो में है, 13, तो ई का 13, तो हम लोग लिखेंगे ई 13, देखिए आ गया ना कर्सल, आ गया, आप शायद ध्यान दिए होंगे, कॉमा लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे आपका जो ये जो एक्सेल है वो कौन सा अरे में है, तो हमारा ये अरे में है, सेलेक्ट करें जीरो, डबल ब्रैकेट क्लोज,
इंटर। तो देखिए अब आपको वैल्यू दिखा रहा है ना, अगर मान लीजिए हम यहां से लिख देते हैं डबल एक्सल, तो देखिए जैकेट का डबल एक्सल 98 है क्या? तो देखिए 98। तो इस तरह मैच फंक्शन जब आपके आपको नहीं पता है कि रो और इंडेक्स, रो नंबर और कॉलम नंबर आपको नहीं पता, तब इंडेक्स मैच फंक्शन उस जगह पे काम आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रेड रंग का सब्सक्राइब बटन है, उस बटन पे जरूर क्लिक करें। इससे होगा क्या कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करिएगा तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे वो एक्सेल की हो, एडवांस एक्सेल की हो या टैली की हो, तो आपको वो यूट्यूब नोटिफिकेशन देगा, जिससे कि आप उसे देख के सीख सकोगे। थैंक यू।